उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 18 साल की एक लड़की की भूख से मौत का मामला सामने आया है। सीतापुर के लहरपुर में इसी परिवार के 5 और सदस्य भी गरीबी और भुखमरी की कगार पर हैं। आरोप है कि पिछले 2 सालों से इस परिवार को बीपीएल राशन कार्ड ऑनलाइन न होने से अनाज का एक भी दाना नसीब नहीं हुआ। मजबूर परिवार स्कूल के मिड डे मील से बचने वाले खाने से भूख मिटाने की कोशिश करता था। यूपी के शाहजहांपुर में गैंगरेप की पीड़ित महिला ने अपने खून से सीएम अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है। गैंगरेप का आरोप उसी के पति और एक रिश्तेदार पर है। पीड़ित महिला ने धमकी दी है कि अगर दोनों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो एसपी कार्यालय के सामने खुदकुशी कर लेगी। सीएम अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से कहा है कि वो लखनऊ आकर देखें, यूपी में मेट्रो चल रही है। राहुल गांधी ने किसान यात्रा के दौरान कहा था कि यूपी में साइकिल नहीं चल पा रही है। वहीं राहुल गांधी ने रविवार को मऊ का दौरा किया, जबकि आज और कल ईद की वजह से राहुल की किसान यात्रा बंद रहेगी और वो 14 सितंबर से फिर दौरों पर निकलेंगे। यूपी में अब वीआईपी जिलों में 24 घंटे बिजली के लिए लोगों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के मुताबिक अगले टैरिफ ऑर्डर में नई दरें तय हो जाएंगी। आयोग के चेयरमैन देश दीपक वर्मा का कहना है कि यूपी में प्रीपेड मीटर व्यवस्था जल्द लागू होगी। मेरठ में दिल का दौरा पड़ने के बाद एक शख्स को ना अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस मिली और ना ही उसकी मौत के बाद अस्पताल से घर शव लाने के लिए एम्बुलेंस मिली। लिसाड़ी गेट इलाके के चांद को हार्ट अटैक के बाद घर वाले मोटरसाइकिल पर बैठाकर अस्पताल ले गए और फिर बाद में इसी तरह उसके शव को घर लेकर पहुंचे। घर वालों का कहना है कि एम्बुलेंस के लिए 108 नंबर पर फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में एक सड़क हादसे में बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने दिल्ली सहारनपुर मार्ग पर जमकर हंगामा किया। बच्चे को एक बस ने कुचल दिया था। बाद में पुलिस ने लोगों को खदेड़ा और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के संतकबीर नगर में एक बुजुर्ग को उसी के नाती और बहू ने पेड़ से 24 घंटे तक बांधे रखा। ये मामला बखेरा इलाके का है, जहां बुजुर्ग पूरा दिन और रात पेड़ से बंधा रहा, लेकिन पुलिस को इसकी खबर तक नहीं लगी। घर वालों का कहना है कि बुजुर्ग के एक महिला से अवैध संबंध है और उसने महिला के कहने पर 8 लाख की जमीन किसी को 50,000 रुपए में बेच दी। पंजाब के लुधियाना में गणपति की मूर्ति के विसर्जन के दौरान 4 लोगों की डूबकर मौत हो गई। उनके शवों को गोताखोरों की मदद से निकाला जा सका। इस्लामगंज के लोग सतलुज नदी में गणपति की मूर्ति विसर्जन के लिए पहुंचे थे, इसी दौरान 4 लोग तेज बहाव में बह गए। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी के किसान मैनिफेस्टो पर कहा कि केजरीवाल किसानी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, पहले वो खेती समझें फिर किसानों की बात करें। फिरोजपुर के जलालाबाद पहुंचे सुखबीर बादल ने कहा कि अगले चुनाव में अकाली दल ही सरकार बनाएगी। पंजाब कांग्रेस की नेता परनीत कौर ने कहा है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। परनीत कौर ने इस फैसले की वजह नहीं बताई। कांग्रेस को पंजाब में मजबूत बताते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को लेकर आम आदमी पार्टी गंभीर नहीं, बल्कि इस पार्टी से महिलाओं को सबसे ज्यादा खतरा है।